दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ जारी सीबीआई की रेड पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब प्रदर्शन शुरू कर दिया है, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं किस तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ जारी सीबीआई रेड के बाद अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तुरंत हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के कई प्रदर्शनकारी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। सिसोदिया के घर सीबीआई रेड हो रही है और उसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज पर। इस वक्त आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरीके से आज सुबह से ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खिलाफ सीबीआई की रेड चल रही है, उसके बाद अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। देखिए, पुलिस लगातार जो है वो यहाँ पर एक्शन मोड में आ गई है और लोगों को यहाँ से लगातार हटाया जा रहा है। आप देख पे और तमाम लोगों को यहां से हटाया जाए, डिटेन भी किया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर जो है वो डिटेन करके जो लोग नहीं मान रहे हैं उन लोगों को यहां पर डिटेन किया जा रहा है। और आप देखिए, सामने भी देखिए, पुलिस जो है डिटेन कर रही है। आप ये देखिए, इधर भी देखिए, ये गाड़ियां यहां पर तैनात हैं और इन गाड़ियों में ही उन लोगों को भरकर ले जाया जा रहा है जो लोग मानने को तैयार नहीं है, जो लोग यहां से हटने को तैयार नहीं है, उन लोगों को यहां से जो है वो लेकर जाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और तमाम जो है पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और मैं अपने विजय रंजन से कहूँगा कि वो आकर यहाँ पर दिखाएं कि इन लोगों को यहाँ पर डिटेन जो है वो किया जा रहा है। आप ये बताइए डिटेन आपको किया है, धारा 144 यहाँ पे लगे, क्यों आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए? देखो, हम मनीष जी के ऊपर जबरदस्ती के आरोप लगा रही है बीजेपी और कुछ नहीं है, हमें जबरदस्ती बंद किया जा रहा है, हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। देखिए सीधा सुमित, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। पुलिस जो है लगातार जो है प्रदर्शनकारियों को डिटेन यहाँ पे कर रही है। पहले काफी देर तक इन लोगों को समझाया गया कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठे ना हो, आप लोग ये धारा 144 यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन बावजूद इसके लोग नहीं माने। आप ये बताइए कि आप लोगों को यहाँ पे डिटेन किया गया है, क्यों आप लोग इकट्ठा हुए थे, धारा 144 यहाँ पे लगी हुई है? देखिए सर, जो पूरे देश में बीजेपी अपनी मोनोपोली चला रही है और तानाशाही चला रही है, हम जांच में कोई बाधा नहीं कर रहे। अगर कोई बात है तो हम भी देखना चाहते हैं कि बीजेपी किस हद तक नीचे गिर सकती है। आज शराब शांति से बैठे हुए यहाँ पे धारा 144 लगी, आप लोगों को इजाजत नहीं है? सर, अभी नहीं लगी थी, अभी हमें बताया लगी हुई है, ये काफी दिनों से यहाँ पे लगी है। एक मुझे बात बताइए कि आज की जो ये छापेमारी हुई है, रेड चल रही है, जो ये शराब नीति को लेकर रेड चल रही है ताकि स्वास्थ्य को, सर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पहली बार ये कोई छापेमारी नहीं हो रही, 85 बार हो चुकी है। यह दिल्ली अच्छा काम करे, लेकिन बीजेपी के लोगों को अच्छा काम बर्दाश्त नहीं है। देखिए सुमित, साफ तौर पे लोगों को यहाँ से डिटेन करके जो है वो ले जाया जा रहा है। आप देखिए, एक महिला को भी यहाँ पर इस समय जो है डिटेन यहाँ, और तमाम जो पूरे मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं, डीसीपी अमृता खुद यहाँ पर मौजूद है और लगातार पूरे मामले पर जो है वो निगाह ये बनाई हुई है। मैं एक बार दोबारा आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप सामने साफ तौर पर देखिए कि लोगों को यहाँ से डिटेन किया जा रहा है, काफी ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे और किसी भी तरीके से वो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है उसको जो है वो कैसे जो है वो तोड़ पाए, और यही कारण है कि पुलिस को मजबूरन इन लोगों को यहाँ से डिटेन करना पड़ा है और लगातार यहाँ से ले जा दिल्ली पुलिस यहाँ से ले जा, धारा 144 यहाँ पे लगी हुई है और आप देखिए लोगों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। और अब जो है वो लगातार ये अपील की जा रही है कि जो भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे वो लोग जो है वो यहाँ पर ना पहुंचे। और आप सामने देखिए, सामने जो है वो महिला कार्यकर्ताएं भी यहाँ पर पहुंची हुई थी जिनको लगातार डिटेन किया जा रहा है। आप ये बताइए, आप लोग यहाँ पे क्यों पहुंचे थे? हम बिल्कुल शांति से समर्थन कर रहे हैं, अपने नेता के क्या साथ नहीं खड़े हो सकते हम? आप किसी जिंदाबाद।
नहीं, जिस तरीके से यहाँ पे अभी अभी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि यहाँ पे धारा 144 लगा दी है, तो पूरी तरीके से यहाँ पे मनीष, यहाँ किसी ने कोई नारा नहीं लगाया, यहाँ पे किसी ने किसी तरीके की वसूली की नहीं करी, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्या डर है, जितना ज्यादा है आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी के विधायकों को मंत्री को रोकेंगे उतना ज्यादा आम आदमी पार्टी बढ़ेगी। ये केंद्र सरकार जो है आम आदमी पार्टी को रोक नहीं पाएगी, आम आदमी पार्टी को डरा नहीं कर पाएगी, जितना ज्यादा ये लोग आम आदमी पार्टी को डराएंगे उतना ज्यादा आम आदमी पार्टी को बढ़ेगी। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं, 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं, हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।